वेलकम बच्चों, आप लोग अपने अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कि कई सारे लोग रहते हैं और वहाँ पे सभी कोई व्यक्ति कुछ न कुछ काम कर रहे हैं, किसी न किसी काम से जुड़े हुए हैं। तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता, सभी काम अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंस होते हैं, बहुत मायने रखते हैं। किसी कोई भी काम अगर ना हो तो हम उसके बगैर नहीं चल पाएंगे, हमें उस काम की कभी ना कभी आवश्यकता पड़ती ही है। इसलिए कहा गया है कर्म ही पूजा है। तो आइए आज हम लोग कर्म से संबंधित यह चैप्टर पढ़ाई करेंगे। तो आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं हूं दुलारचंद दास, स्वागत करता हूं आप सभी का एक नए वीडियो में और एक नए चैप्टर के साथ। इसी तरह आप हमारे साथ बने रहें तो हम और आप मिलकर कई जिंदगियों को संवार सकते हैं। तो आइए आज हम लोग आज का पढ़ाई शुरू करते हैं। ये क्लास 5 का साइंस बुक चैप्टर 1.8 है और इस चैप्टर का नाम है वर्क। वर्क का मतलब होता है कार्य, काम। क्लीन वर्क, डर्टी वर्क। लोग इस प्रकार से समझते हैं कि कुछ काम अच्छा होता है और कुछ काम खराब होता है, डर्टी गंदा होता है। इस तरह से इसलिए यहाँ पे दिया हुआ है क्लीन वर्क, डर्टी वर्क। पीपुल वर्क ऑन डिफरेंट पोस्ट्स एंड एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट ऑक्यूपेशंस। लोग विभिन्न पेशों में अलग अलग पद में काम करते हैं और अलग अलग जगहों में काम करते हैं। फार्मर्स, पेंटर्स, कारपेंटर्स, ग्रोसर्स, ग्रीन ग्रोसर्स, डॉक्टर्स, नर्सेस, स्वीपर्स आर द वर्किंग मैन। किसान, पेंटर, बढ़ई, किराने वाला, किराने दुकान का मतलब है राशन दुकान, सब्जी वाला, डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मचारी, ये सभी लोग काम करने वाले व्यक्ति हैं। इफ़ वी मेक ए सर्वे फ्रॉम पीपुल नियर बाय आवर हाउस अबाउट द रीजन फॉर डूइंग वर्क, मोस्ट ऑफ देम विल से दैट दे वर्क टू अर्न मनी। यदि अपने पास पड़ोस के लोगों की सर्वे की जाए और उनसे काम करने का कारण पूछा जाए तो अधिकतर लोग यही कहेंगे कि वे पैसे कमाने के लिए काम करते हैं। ए फ्यू पीपुल से दैट दे वर्क टू स्पेंड टाइम, वेयर इज सम पीपुल से दैट दे वर्क फॉर द सोसाइटी। कुछ ही लोग यह कहेंगे कि वे समय बिताने के लिए काम करते हैं, जबकि कुछ लोग यह भी कहेंगे कि वे समाज के लिए काम करते हैं, समाज की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं। वट एवर मे बी द रीजन ऑफ वर्किंग बट इट मेक्स देयर लाइफ कंफर्टेबल। काम करने का चाहे जो भी कारण हो परंतु इससे उनका जीवन आरामदायक हो जाता है। ऑल टाइप्स ऑफ वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट एंड एवरी प्रोफेशन एंड जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड। सभी प्रकार के काम आवश्यक हैं और सभी प्रकार के पेशा और कार्यों को सम्मान करना चाहिए। दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। इसे मेहनत को सम्मान देना या प्रतिष्ठा देना कहते हैं। इफ वी हेट और डिसरिस्पेक्ट एनी प्रोफेशन दैट लीड्स टू सोशल इनजस्टिस। यदि हम किसी पेशा से नफरत करते हैं या उसका अनादर करते हैं तो इससे सामाजिक अन्याय को बढ़ावा मिलेगा। इट शुड बी अवॉइडेड। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इन दिस वे वर्क और पीपुल कैन नेवर बी डर्टी। इस तरह कोई काम या लोग कभी भी गंदा नहीं होते या बुरा नहीं होते। सो वी शुड इनकरेज द वर्कर टू इन्जॉय हिज वर्क। इसलिए हमें काम करने वालों को प्रोत्साहित करना चाहिए जिससे वे अपने काम को आनंदपूर्वक कर सके। इसके आगे है, इफ स्वीपर डज नॉट रिमूव द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट्स और होम्स एन इनहाइजीनिक एटमोसफेयर इज क्रिएटेड। हमारे घरों और गलियों से यदि सफाई कर्मचारी गंदगी साफ न करे तो एक गंदगी भरा वातावरण बन जाएगा। इफ कॉबलर डज नॉट मेंड शूज वन में फील डिसकम्फर्ट। अगर मोची हमारे जूतों की मरम्मत नहीं करते हैं तो हमें समस्या हो सकती है। महात्मा गांधी सेड दैट वर्क इज वर्शिप एंड नो वर्क इज हाई एंड लो। महात्मा गांधी कहते थे कि कर्म ही पूजा है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। ही हिमसेल्फ स्वेप्ट द रूम एंड क्लीन्ड द टॉयलेट। वे स्वयं अपने कमरे में झाड़ू लगाते थे और अपने टॉयलेट को भी स्वयं साफ करते थे। ही इंसिस्टेड टू इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ लेबर इन स्कूल कैरिकुलम। उन्होंने स्कूल पाठ्यक्रम में सभी प्रकार के मेहनत या काम को शामिल करने का आग्रह किया। सो दैट स्टूडेंट शुड रेस्पेक्ट ऑल टाइप्स ऑफ वर्क एंड रिमूव डिस्क्रिमिनेशन। इसीलिए छात्रों को
सभी प्रकार के काम को सम्मान करना चाहिए और भेदभाव को मिटा देना चाहिए। इफ यू हैव डेवलप्ड ए सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेक योर सेल्फ डाइट। यदि आपके अंदर जिम्मेदारी उठाने की भावना विकसित हुई है तो आप स्वयं को जांच कीजिए। यू आर डूइंग योर वर्क विथ प्राइड एंड डिग्निटी। आप अपने काम को गर्व और शान से करते हैं। यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ। आप अपने आप पर विश्वास कर रहे हैं। यू हैव इंकरेज्ड द पीपुल हु आर असेंबल्ड ऑफ देयर वर्क। आप उन लोगों को प्रोत्साहित कीजिए जो लोग अपने काम से शर्मिंदा होते हैं। ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड, गर्म का बहना और ठंडे का बहना। अब इसमें क्या बतला रहा है, क्या बह रहा है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे तो जानेंगे। When we run, we need more energy। जब हम लोग दौड़ते हैं तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। To get more energy, we inhale and exhale air rapidly। अधिक ऊर्जा पाने के लिए हम लोग तेजी से सांस लेने और छोड़ने लगते हैं। Taking air is inhalation and giving out is exhalation and this process is called breathing। सांस लेने की क्रिया को अंतःश्वसन और सांस छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन और यह दोनों प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। Not only the human being but all the living beings breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide। मनुष्य ही नहीं बल्कि सभी सजीव प्राणी ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। When we breathe, air enters through nose or mouth, gets warmed up and reaches into the lungs through windpipe। जब हम सांस लेते हैं नाक या मुंह से तो हवा गर्म होकर वायु नली से होती हुई फेफड़ों में पहुंच जाती है। There are two lungs inside the chest cavity protected by rib cage। हमारे छाती के अंदर दो फेफड़े हैं जो पसलियों से बने ढांचे के अंदर सुरक्षित रहते हैं। रिब केज, केज का मतलब तो पिंजरा होता है लेकिन यहाँ पे ढांचा यूज किया गया है सुटेबल करने के लिए। रिब केज इसका अर्थ है पसलियों का पिंजरा, जिसे हमारे पसलियाँ जो हमारी पसलियाँ हैं वो पिंजरे की तरह बना हुआ है और उसमें हमारे लंग्स सुरक्षित रहते हैं। फ्रॉम लंग्स ऑक्सीजन इज पिक्ड अप बाय ब्लड एंड रीचेज अप टू इच सेल थ्रू आर्टरीज। फेफड़ों से रक्त ऑक्सीजन खींच लेता है और फिर धमनियों के द्वारा प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचा देता है। आफ्टरवर्ड ब्लड लीव्स ऑक्सीजन एंड पिक अप कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल साइट एंड कम्स बैक टू द लंग्स। उसके बाद रक्त ऑक्सीजन को छोड़ देता है और कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड खींच लेता है और वापस फेफड़ों तक आ जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज देन एक्सहेल्ड थ्रू द नोज। फिर नाक से हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। द रेट ऑफ ब्रीथिंग डिपेंड्स ऑन काइंड ऑफ एक्टिविटी। सांस लेने की दर हमारे काम करने की गतिविधि पर निर्भर करती है। ईच एक्टिविटी रिक्वायर्स एनर्जी। प्रत्येक गतिविधि को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। रेस्ट एंड स्लीप requires less energy while doing exercise, we need more energy। आराम करने में या सोने में कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है जबकि कसरत करने में हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। Energy is produced on availability of oxygen। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ऊर्जा उत्पन्न होती है। Availability of oxygen increases the heartbeat। ऑक्सीजन की मौजूदगी में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, वह तेज हो जाती है। द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट्स इन वन मिनट इज कॉल्ड पल्स रेट। एक मिनट में दिल की धड़कन की संख्या को पल्स रेट अर्थात धड़कन की गति कहा जाता है। पल्स रेट इन ए नॉर्मल ह्यूमन इज 70-80 टाइम्स पर मिनट। एक सामान्य मनुष्य की धड़कन की गति 70-80 पर मिनट होता है। हार्ट बीट इज मेजर्ड बाय स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन को आला के द्वारा मापा जाता है। स्टेथोस्कोप को हिंदी में आला कहते हैं। आप स्टेथोस्कोप जानते हैं तो वही सही है। स्टेथोस्कोप प्रोड्यूसेस साउंड ऑफ आवर हार्ट बीट।
स्टेथोस्कोप हमारे धड़कन की आवाज़ को उत्पन्न करता है, वह तेज़ी से सुनाता है। बाई लिसनिंग हार्ट बीट डॉक्टर कैन टेल अबाउट वेलनेस ऑफ ए पर्सन, किसी व्यक्ति की धड़कन की गति को सुनकर डॉक्टर उसके स्वास्थ्य के बारे में बताता है कि वह स्वस्थ है या बीमार है। ब्लोइंग हार्ड ऑन बर्निंग पीसेस ऑफ वुड हेल्प्स फायर टू बर्न बेटर, फूंकने वाले पाइप के द्वारा जोरदार फूंक लगाने पर जलने वाले लकड़ी के टुकड़े को बेहतर जला सकते हैं। एक हम लोग बहुत पहले देखते होंगे, गांव में रहता था, एक पाइप जैसा बना हुआ रहता था लोहे का, और उसको चूल्हा जलाने के समय उस पाइप से फूंका जाता था और चूल्हा आसानी से जल जाता था, उसी के बारे में यहाँ बतला रहा है। वर्म एयर कम्स बाय ब्रीथिंग आउट विथ वाइड ओपनिंग माउथ, जब हम मुंह को बड़ा कर सांस मुंह से निकालते हैं तो यह गर्म होता है। इट इज़ डन ड्यूरिंग विंटर टू वार्म आवर हैंड्स, अपने हाथों को गर्म करने के लिए हम लोग ठंडे के मौसम में ऐसा करते हैं। अपने हाथों को हम लोग जब काफ़ी ठंडा लगने लगता है तो मुंह से गर्म गर्म हवा निकालते हैं, अपने हाथ में इस तरह से करके अपने हाथों को गर्म करते हैं। दिस एयर कॉन्टेंस वाटर वेपर, दैट इज वाई एयर लुक्स फॉगी, इस हवा में जलवाष्प होता है जिससे यह धुंध की तरह दिखता है। करेक्ट वे ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने का सही तरीका, क्या यहाँ पे दिया हुआ है, ब्रीथ थ्रू नोज एंड नॉट फ्रॉम माउथ, सांस नाक के द्वारा लेनी चाहिए ना कि मुंह के द्वारा। अक्सर हम लोग देखते हैं बच्चे जब दौड़ते हैं तो मुंह से तेज़ी से हाँफने लगते हैं, मुंह से सांस लेते हैं, तो बच्चे हैं, बड़ों को ये समझना है कि दौड़ते समय या कोई हार्ड काम करते समय उसे मुंह से सांस नहीं लेना है, मुंह को बंद करके रखें और नाक से जोर जोर से सांस ले सकते हैं। नेवर स्लीप विथ फेस कवर्ड, चेहरा या मुंह को ढककर कभी नहीं सोना चाहिए। प्रैक्टिस योगा एंड प्राणायाम, योग या प्राणायाम की अभ्यास रोजाना करनी चाहिए। प्ले इन ओपन स्पेस, हमें खुले जगह में खेलना चाहिए जहाँ पे शुद्ध हवा मिले या पेड़ पौधा हो आसपास में, उस तरह के जगह में हमें खेलना चाहिए। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो जाती है। आइए देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। यह इस चैप्टर का क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग यहाँ पे, और ये टू नंबर में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है। यहाँ पे बच्चों ने ट्रू फॉल्स लगा दिया है पहले से, आप इसको भी देख सकते हैं, इसमें मैंने चेक कर लिया है ये सही है। और क्वेश्चन नंबर थ्री में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है, यहाँ पे बच्चों ने कुछ भरा है लेकिन ये सब गलत है। तो आइए मैं आप लोगों को इसके आंसर बना के दिखाता हूँ। यह चैप्टर 1.8 का क्वेश्चन आंसर, आंसर द फॉलोइंग, व्हाट डू पीपुल से अबाउट वर्क, इफ़ वी आस्क फ्रॉम पीपुल अबाउट वर्क, मोस्ट पीपुल से दैट दे वर्क टू अर्न मनी, वेयर इज फ्यू पीपुल से दैट दे वर्क टू स्पेंड टाइम और वर्क फॉर सोसाइटी। व्हाट इज डिग्निटी ऑफ लेबर, ऑल टाइप ऑफ वर्क्स आर इम्पोर्टेंट एंड एवरी प्रोफेशन एंड जॉब शुड बी रिस्पेक्टेड, दिस इज कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। What did Mahatma Gandhi say about work? Mahatma Gandhi said that work is worship and no work is high and low. We should respect all types of work and remove discrimination. What is breathing? Taking air in inhalation and giving out is exhalation, and this process is called breathing. What is stethoscope? The stethoscope is a medical instrument that used by doctors for listening heartbeat टू टेल अबाउट वेलनेस ऑफ ए पर्सन। क्वेश्चन नंबर टू में ट्रू फॉल्स दिया हुआ है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है, आप इसे देखकर अपने बुक में ट्रू फॉल्स लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री में फिल इन द ब्लैंक्स दिया हुआ है और यहाँ पे भी मैंने डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है, आप इसको देखकर अपने बुक में भर सकते हैं। और यहाँ पे ये चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो जाती है। अगर हमारे वीडियो से आपको थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसके अगले चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग अगले वीडियो में चलेंगे, तो आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।